बुधवार को इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनापुर भोट जिला रामपुर पहुंची। प्रसिद्ध माउंटेनियर रिजवाना सैफी का जोरदार स्वागत हुआ। पर्वतारोही रिजवाना सैफी इम्पैक्ट कॉलेज की पास आउट छात्रा है, जिन्होंने गत वर्ष इम्पैक्ट कॉलेज से बीए की उपाधि हासिल की है। रिजवाना सैफी मूल रूप से पिलखुआ जनपद हापुड़ की रहने वाली हैं और वो माउंट एवरेस्ट फतेह करने और वहां भारतीय झंडा लहराते पैदल यात्रा पर निकली हैं। उन्होंने अपनी यात्रा 7 मार्च को पिलखुआ जनपद हापुड़ से शुरू की थी। लगभग एक महीने में वो पैदल यात्रा करते हुए काठमांडू पहुंचेंगी। रास्ते में इम्पैक्ट कॉलेज पर रिजवाना का भव्य स्वागत किया गया। फूलमालाएं पहनाकर उन्हें शील से सम्मानित किया गया। छात्र छात्राओं और प्रवक्ताओं ने पर्वतारोही रिजवाना से मिलकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पर्वतारोही रिजवाना सैफी पहले भी माउंट फ्रेंडशिप, माउंट दंगमचान, माउंट यूनाम और अन्य कई ऊंची चोटियों को फतेह कर चुकी हैं, जिनकी ऊंचाई 6000 से 6500 मीटर से भी अधिक है। कुछ रास्ता नजर नहीं आया। मैंने माउंट रनिंग के सभी कोर्स किए, कई सारे एक्सपीडिशन किए, क्योंकि जब भी आप किसी माउंटेन फील्ड में काम करना चाहते हैं, माउंटेन फील्ड में कोई भी आप स्थान चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप बेसिक चीजें सीखें। उसके लिए इस अवसर पर कॉलेज चेयरमैन डॉक्टर सुल्तान अहमद सैफी, एमडी सरताज अहमद, प्राचार्य प्रोफेसर आसिम अहमद, वरिष्ठ प्रवक्ता सुशील कुमार, शिखा शर्मा, डॉक्टर शाजिया, यास्मीन जैदी, अनीस अहमद, सनम खान, डॉक्टर विकी सैनी, राजेश शर्मा, इफ्रा खान, रामदीप कौर, सुवेव त्यागी, शिवम चंद, आसिम खान, सी लाल, नगमा बी, डॉक्टर दानिया अहमद, विकास कौशल, आशा मेहताब, मोहम्मद आरिफ सैफी आदि लोग मौजूद रहे। संचालन छात्रा शगुन द्वारा किया गया। आज दिनांक 13 मार्च 2024 को इम्पैक्ट कॉलेज में एक स्वागत का प्रोग्राम आयोजित किया गया। ये प्रोग्राम रिजवाना सैफी माउंटेनियर, जो कि पर्वतारोही हैं, जो कि इम्पैक्ट कॉलेज की छात्रा भी रही हैं, यहाँ से उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की है और पिलखुआ की मूल निवासी हैं। ये पिलखुआ से एक पैदल यात्रा वो नेपाल तक जा रही हैं और जहाँ पे उनको माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है, वहाँ पर भारतवर्ष का झंडा फहराना है। तो रास्ते में वो अपने कॉलेज इम्पैक्ट कॉलेज आई, यहाँ पर उनका छात्र छात्राओं और सभी प्रवक्तागणों ने उनका स्वागत किया। उनको भूखे देकर, उन्हें मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया गया और सभी छात्र छात्राओं ने उनसे मिलकर उनकी हौसला अफजाई करी और उनके लिए बहुत सी अच्छी भावनाएं व्यक्त करी कि वो अपने मिशन में कामयाब हों और जल्द से जल्द भारतवर्ष का झंडा जो है वो नेपाल के माउंट एवरेस्ट पर फहराएं। और वो खुद एक मशहूर पर्वतारोही हैं, इंडिया में उन्होंने बहुत से पर्वत, बहुत से पहाड़ों पर को फतेह किया है, जिसमें माउंट यूनाम, माउंट फ्रेंडशिप और कई जो चोटियां हैं 6500 तक मीटर तक की ऊंची चोटियों को उन्होंने फतेह किया है। कॉलेज की तरफ से उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार वो माउंटेन पर अपना झंडा, भारतवर्ष का झंडा फहरा कर ही वापस लौटेंगी। थैंक यू।